हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग जो करेंगे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मोशन कैप्चर एनिमेशन। ओके, सो मैंने आपको जो जो अभी तक एनिमेशन सिखा है दैट वाज मैनुअल एनिमेशन। ओके, सो मैनुअल एनिमेशन छोटा छोटा एनिमेशन करने के लिए आप लोगों के लिए बेटर है एज अ बिगनर। लेकिन अगर कोई बड़ा एनिमेशन करना चाहते हैं, मान लीजिए कैरेक्टर चल रहा है, दौड़ रहा है, सो उस टाइप का एनिमेशन को मैनुअली आपके लिए करना बहुत टाइम टेकिंग लगेगा। तो इसीलिए हम आज वो प्रोसेस में आपको बताऊंगा जिससे आप मोशन कैप्चर किया हुआ एनिमेशन अपना कैरेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले आपको मोशन कैप्चर एनिमेशन कहाँ मिलेंगे? ओके, सो दिस इज द लिंक ऑफ ए वेबसाइट site.google.com। ये वाला साइट मैं आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपका व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। आपको इस साइट में जाना है और यहाँ पे देखिए आपको नीचे मिलेंगे जिप फाइल फॉर BVH डायरेक्टरीज। ओके, सो ये जो जिप फाइल्स हैं यहाँ से यहाँ तक आपका मोर देन अराउंड 1000 to 2000 मोशन कैप्चर आपको मिलेंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ योर स्टोरी। ओके, तो हमको जो रिगिंग करना पड़ेगा, दो रिगिंग करना पड़ेगा। एक रिगिंग जो हमने अभी तक सीखा जो हमारा मैनुअल एनिमेशन के लिए था, और एक रिग करना पड़ेगा जो बहुत ईजी है, जो हमको करना पड़ेगा फॉर दिस काइंड ऑफ मोशन कैप्चर डाटा। ओके, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, सो फर्स्ट आप क्या करेंगे, ये जिप फाइल BVH फाइल जो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसको जब क्लिक करके डाउनलोड करेंगे तो आपको देखिए ये वाला फाइल मिल जाएगा आपको डाउनलोड होने के बाद, CMU कन्वर्ट। इसको आप राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका देखिए ये एक्सट्रैक्ट फोल्डर में ये वाला फाइल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कंप्यूटर ने क्या किया है, आपके लिए एक एक्सेल फाइल भी दिया है जिसमें कौन सा नंबर में कौन सा मूवमेंट का एनिमेशन है वो रफली लिखा हुआ है। ओके, ये नंबर 5 में जैसे डांस है, ओके, नंबर 1, 2 में वॉक है, तो अलग अलग टाइप का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है तो चूज़ करने में आपको ईजी होगा। ओके, सो कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, लेट अस स्टार्ट डूइंग इट इन ब्लेंडर। ओके, सो एक ब्लेंडर में मैंने ट्रायल किया है, ये देखिए। ओके, सो आपका वो मोशन कैप्चर का मूवमेंट है ये ऑटोमेटिकली आपका रैट में अप्लाई हो गया है। ये अगर आप मैन्युअली करते तो आपको यहाँ पे बहुत टाइम लगता। ओके, लेकिन एक दो छोटा छोटा आपको प्रॉब्लम्स आएंगी जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वो क्या है, ये देखिए इसका जो पैर है बहुत बड़ा है और इसका जो पैर है बहुत छोटा है अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी। तो मोशन कैप्चर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे इंटरसेक्शंस आ जाएगा। ओके, सो ये सब चीज़ आपको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें काम करेंगे हमारा जो रैट का कैरेक्टर का जो पाँव है उसका मॉडल को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ओके, तो सो दैट अकॉर्डिंग टू द मोशन कैप्चर फाइल्स हमारा अच्छे से सेट हो जाए और हमको प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई क्रिएट ए न्यू फाइल, मैंने एक नया फाइल बना लिया। ओके, लाइक दिस। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया कौन सा साइट में आपको जाना है, आपको डाउनलोड करना है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। ये है नंबर 1 वर्क। नंबर 2 वर्क क्या है, आप कैसे उस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके लाएंगे। ओके, यहाँ सब डिलीट कर लीजिए, प्रेस ए डिलीट। यहाँ पे आप एडिट में जाएंगे, प्रिफरेंसेस में जाएंगे, यहाँ एड ऑन्स में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे BVH। तो कंप्यूटर आपको लिखेगा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बायोविजन मोशन कैप्चर फॉर्मेट। ओके, सो बायोविजन मोशन कैप्चर फॉर्मेट इसको आप ऑन कर लीजिए अगर ये पहले से ही ऑन नहीं है। अगर ये पहले से ही ऑन है तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, आई क्लोज दिस वन। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल इंपोर्ट BVH, यहाँ पे BVH करेंगे। यहाँ डेस्कटॉप में मैं जाऊँगा, CMU कन्वर्ट, यहाँ पे ये वाला फाइल ले लेते हैं, कोई भी नंबर 2 का ये वाला एक ले लेते हैं। ओके, सो मैंने एक फाइल ले लिया। ओके, सो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रेम यहाँ पे सब दिया हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, स्केल FPS कर सकते हैं। ओके, ये वाला आप लूप रख सकते हैं, ये सब आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक चीज़ कर देता हूँ, स्केल FPS में कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं इंपोर्ट BVH कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये फाइल आ गया कैरेक्टर का बोन के साथ। आप इसको अभी प्ले कीजिए, ये देखिए। ओके, सो दिस इज अ जंपिंग फाइल, मेरा कैरेक्टर यहाँ पे जंप कर रहा है।
तो मैं चाहता हूँ मेरा जो रैट है ये वाला भी ये वाला जंप करे, ओके? मीन्स मैं कैसे अपना रैट को ऑटोमेटिकली इसके साथ इंटीग्रेट कर दूंगा, ओके? सो आप अभी क्या कर सकते हैं, रैट को इंटीग्रेट करने से पहले आप फाइल इंपोर्ट में जाके जो बहुत सारे मोशंस आए हैं उनमें से 8-10 मोशंस को जस्ट ओपन करके अप्लाई करके प्ले करके देख लीजिए, ओके? और आप समझिए कि आपका कैरेक्टर ये मूवमेंट कर रहा है, ओके? सो अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल मोशन कैप्चर भी आप अपना स्टोरी डिसाइड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक स्टोरी प्लान कर लेते हैं जिसमें एनिमेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैन्युअली करने में टाइम लगता है, तो स्टोरी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप कुछ एनिमेशन स्टोरीज इस हिसाब से प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल मोशन कैप्चर, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस यू कैन कंप्लीट द स्टोरी, क्योंकि उसका मूवमेंट सब आपके पास अवेलेबल है और मैन्युअली बहुत ही कम एनिमेशन आपको करना पड़ेगा, ओके? सो इन दिस वीडियो हम लोग सिर्फ इतना, आप इतना ही टास्क कीजिए, गो टू द साइट, डाउनलोड द मोशन कैप्चर फाइल, ब्लेंडर में इसका सेटिंग कीजिए, प्रेफरेंसेस में ऐड ऑन कीजिए और एक एक मोशन कैप्चर 10-12 ऐड करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा हमारा रैट को कैसे इसके साथ मर्ज किया जाएगा, रिग किया जाएगा, सो दैट हमारा कैरेक्टर इसके साथ मूवमेंट हो। थैंक यू।